भाई इमली कितने की है? इमली हेलो 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 एवरीवन, हम इस वक्त है गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और मैं इनके ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ डूइंग सम स्टफ, टेकिंग पिक्चर्स। आप यकीन नहीं करेंगे, दिस प्लेस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत काबिल हैं। मैं स्टूडेंट ऑफ क्वेटा, मैंने ऐसे लोग और ऐसी फैसिलिटेटेड जगह मैंने नहीं देखी थी। यहाँ पे बहुत ही फैसिलिटेटेड जगह। अब यहाँ पे उनके टीचर बता रहे थे कि सैटरडे नाइट को जब स्टूडेंट्स उनके रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे उनको मूवी दिखाई जाती है, कभी कभी किसी लोकल म्यूजिशियन को बुला के उनके साथ जैमिंग भी की जाती है। ये एक पार्ट होता है आपके स्टूडेंट मेंटालिटी को रिलैक्स करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। सो आई एम वेरी अमेज्ड बाई गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ए भी पता नहीं पीछे क्या कर रहा है। ए भी क्या कर रहे हो तुम? शूट कर रहे हो? करते रहो। सो या गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेफरेबल है क्वेटा की किसी, नॉट जस्ट क्वेटा, बलूचिस्तान के किसी भी शहर से, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द प्लेस। मैं स्टूडेंट ऑफ ब्यूटम जी कह रहा हूँ कि आई वॉज अमेज्ड बाई दिस प्लेस, कि किस गवादर में इस लेवल की। तो लाइक आई वाज सेइंग, एक तो बिल्डिंग बहुत ही साफ सुथरी, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया है, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है, इसी तरह फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्डिंग बाकी जो है जितनी भी हो। मैं आपको साथ साथ जैसे मैं क्लिक्स लेता जा रहा हूँ आपको दिखाता भी रहूँगा। एक स्टूडेंट है, शायद स्टूडेंट है, फैकल्टी मेम्बर है। अच्छा जी, तो इसी तरह मुख्तलिफ जगह हैं। एक फूड प्रोसेसिंग लैब है, मैं इसकी पिक्चर्स भी लेता हूँ, लेकिन अभी फूड प्रोसेसिंग लैब में साथ ही वो मशीनें जो हैं वो आपको पीछे नज़र आ रही होंगी, उन्होंने पीछे रख दिया है। और बाकी जो आर्किटेक्चर का, यस आर्किटेक्चर आई डोंट नो, खैर ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है ये यहाँ पे अभी हो रही है। ये कोई स्टूडेंट यहाँ पे कश्ती बना रहे हैं, ऐसे मॉडल्स जो हैं ये फिर इसको अच्छा खासा रिफर्निश किया जाता है, इसको पॉलिश वगैरह करके, इसकी पेंटिंग करके, इसको अच्छा सा डिज़ाइन करके फिर ये लोग मार्केट में बेचते हैं। और साथ ही में अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उनको एज अ सुवेनियर की तरह पेश करते हैं। सो ये इनकी टूल किट्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। इट्स अ वेरी फैसिलिटेटेड प्लेस, मतलब मैं बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा यार गवादर है बस, हाँ ठीक है एक दो कॉलेजेस, वो भी कोई बहुत ही कमज़ोर लेवल, बट दिस इज़ माइंड ब्लोइंग सीरियसली। अच्छा तो फिर ये देखें, ये है यहाँ का कंप्यूटर साइंस लैब। ये फर्नीचर और कूलिंग सिस्टम यहाँ का, मुझे इतना रिलैक्सेशन फील हो रहा है ना यहाँ पे, जैसा एक कंप्यूटर लैब को होना चाहिए, जो कि आपके वो दिमाग को प्रोसेस होने का सही से टाइम भी दे और एनवायरनमेंट भी दे। इट इज़ टू दैट स्टैंडर्ड, बड़ी ही प्यारी लैब है, आप देख सकते हैं। ये साथ में जैनब की वीडियो भी शूट हो रही है। मैडम समीन इस वक्त बहुत परेशान दिख रही हैं। अच्छी डायरेक्ट हो जाए, अल्लाह करे। हाँ अल्लाह करे, सारा प्रेशर जैनब पे है इस वक्त। जैनब बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक्शन। वैसे ही मेरी लाइन आ रही है। क्या आपके पास ऐसा कोई हुनर है जो आपको बलूचिस्तान की तरक्की में, ठीक है पीछे जा पीछे जा, है मैडम कोई ऐसा हुनर? यस अ लॉट ऑफ हुनर जो आपको बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालने के काबिल बना रहा है। क्यों? क्या आपके पास ऐसा कोई हुनर है जो आपको बलूचिस्तान की तरक्की में इसको
मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं वॉइस ऑफ बलूचिस्तान में बहुत मज़े हैं, ये है वो है, ये हालत होती है हमारी। ये देखो सही लग रहा हूँ, थका हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ। इट्स द आईफोन, इट्स नॉट यू। हमारे साथ नहीं नहीं उसी तरह लैंडस्केप करो ताकि बन मैं वीडियो। हमारे साथ एक जोए बैठे हुए हैं। जोए जोए चीत सिवा बलार सा आता भाई मैं आता भाई मैं चलो मचा नहीं मैं क्या बोलता हूँ ऐसा मचा है मुरक्कू। हमने दिन का खाना जो 7 बजे का है तो आप समझ सकते हैं हमारी एक शूट में कितनी ख्वाहिश होती होगी कि हम दोपहर का खाना जो 7 बजे खाएं। अभी मैडम समीन आई है, कुछ स्वीट ट्राई करेंगे। व्लॉग है पेस्ट्रीज हैं यहाँ पे। ओ मैडम नीचे देख के ये वेरी ब्यूटीफुल पेस्ट्री। गवादर के जन्नत बाजार में आए हुए हैं और ये भी जो है वो अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ही में हमने रहमान को भेजा है किसी बानू टेलर्स के पास, वो उनकी स्टोरी को कवर कर रहे हैं भाई, इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। इमली कितने की है अभी? इमली मेरे लिए फ्री है, कोई ख़तरा वतरा तो नहीं मुझे। माए थे यहाँ पे एक ईरानी चीज़ें बेचने वाला स्टोर है गवादर में, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं, बाकी तो हमने पैसा बर्बाद किया है क्योंकि वही चीज़ें जो आपको ब्रिटिश मार्केट में सस्ते रेट में मिल जाती है। मुस्तकीम कैसे हो? चुशकौन कहीं अल्लाह माफ़ करे, बहुत गंदे लग रहे हैं हम लोग, बहुत प्यारा लग रहा है। चल जुटा गादर में हमारी आखिरी रात है और कल हम की रात भी हम निकल जाएंगे, तो हम जा रहे हैं बीच। ये बीच है तो सामने हमारा होटल है, हम जा रहे हैं बॉनफायर और बॉनफायर करेंगे क्या बोलेंगे आई डोंट नो, और साथ ही में खैर जानवर के लिए चाय बनाएगा। लाइट्स बंद कर दो, यू पीपल लाइट्स ऑफ, लाइट बंद का मैं ना दबा लेता हूं। ओह माय गॉड दिस डीजल इज एक्सपायर। यस यू आर बाय एरानी डीजल ले भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी डीजल में पानी है कुछ ऐसा ही होगा। मेरा एम था कि मैं स्लोमो बनाऊं लेकिन वो बाइक का डीजल इतना कमजोर था जला ही नहीं, इसे डायरेक्ट नहीं डालते भाई। लो भाई आग लग गई, आग लगी, आग लगी। चाय बन चुकी है, खैर जान ने बड़ी ही मज़े की चाय बनाई है इस वक्त, बहुत 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 मज़े की चाय। तूने भी नहीं है इतनी है ज़्यादा। अबे अबे चाय दो, चाय दो यार मेरी, क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। सो बॉनफायर का सीन हो चुका है, हम जाएंगे होटल अरेबियन नाइट्स, वहाँ पर खाना खाएंगे। ज़िद ना करो आज जाने, ज़िद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया तो रस्ते के लिए मुझे पता है मेकअप में काम आएगा। बाय बाय जा रहे हैं, ओके ओके। जुबैर बाय बाय।
अच्छा जी, तो हमारा सामान हो गया है पैक। इस वक्त कोई 3:30 बज रहे हैं, 3:30 नहीं बल्कि 4 बज रहे हैं। हाँ 4 बज रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से वापसी क्वेटा की तरफ। मेरा ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। गवादर में बहुत मज़ा आया भाई, सबको आप देख सकते हैं, सदमे में जाना नहीं चाहता। नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन बस यार मौसम बहुत प्यारा है आज, आज बहुत ही प्यारा। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 3:42, 3:43। पीछे गाड़ी में सामान रखा जा रहा है हमारा, मैडम लोग अभी तक रेडी नहीं है, उनके बैग रखने हैं हमने। हवा कोई बहुत प्यारी किस्म की चल रही है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है वापस क्वेटा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। और बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत इन्जॉय किया। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जिनको डिस्कवर किया जा सकता है अभी भी। और इसी के साथ साथ ही अगली दफ़ा तक, मेरे आने तक, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि गवादर जो है वो जगह भी डिस्कवर हो गई होंगी और मुख्तलिफ और यहाँ पे फैसिलिटीज़ आ गई होंगी, टूरिज़्म थोड़ा और प्रमोट हो गया होगा। So until next time, Allah Hafiz. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry.